बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। थ्री लिटल लाइब्रेरी पेशावर में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन। मोशन कौन कौन से टर्म्स मोशन के साथ एसोसिएट हैं? जैसे कि हम मोशन से किस, फॉर एग्जांपल हम डिस्टेंस कवर करते हैं, हम मूव करते हैं, हम डिस्टेंस कवर करते हैं, तो ये टर्म्स किसके साथ? मोशन के साथ एसोसिएटेड है। हम डिस्टेंस कवर करते हैं तो उसमें टाइम भी रिक्वायर्ड होता है, किसी टाइम में हम डिस्टेंस कवर करेंगे तो ये टर्म भी मोशन के साथ एसोसिएटेड है। तीसरा डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, ये सारे टर्म्स मोशन के साथ एसोसिएटेड है। सो हम अब पहले पढ़ेंगे पोजीशन। व्हाट इज पोजीशन? It's called position. The terms which describe location of a place or point with some reference point is called position. For example, हमारे पास यहाँ पे दो points हैं, point A and point B. ये हमारे पास ओरिजिन हो गया और इसको हम क्या कहते हैं? रेफरेंस पॉइंट भी कहते हैं। और ये हमारे पास क्या हुआ? फाइनल पॉइंट और फाइनल डेस्टिनेशन। इसके दरमियान डिस्टेंस होगा, इसको हम क्या कहते हैं? पोजीशन। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो पॉइंट है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी है, ये हमारा ओरिजिन है, रेफरेंस पॉइंट। ओरिजिन को हम क्या कहते हैं? रेफरेंस पॉइंट भी कहते हैं। और ये हमारा फाइनल पॉइंट है। इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा इसको हम क्या कहते हैं? अपनी पोजीशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम अभी कहीं पे जा रहे हों और हमें उस जगह की लोकेशन नहीं पता, तो हम गूगल मैप में सर्च में दे देते हैं कि इस पॉइंट तक हमें जाना है, तो वो हमें इस तरह की कोई सड़क रूट, वो हमें अपनी रूट बता देता है कि ये रूट होगी तो आपकी, फर्ज़ के हम यहाँ पे खड़े, हमारा फाइनल पॉइंट ये है, यहाँ तक जाना है, और हमने गूगल मैप में दे दिया कि हमने यहाँ तक जाना है, तो ये हमें ये रास्ता बता देगा कि इस रास्ते से जाना है। इस रास्ते को हम क्या कहेंगे? पोजीशन। ये हमारा क्या है? पोजीशन। और ऑल इट इज कॉल्ड पोजीशन। पोजीशन के बाद जो दूसरा टर्म है वो है डिस्टेंस। अच्छा, पोजीशन के बाद हमारे पास आता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट।
डिस्टेंस एक्चुअल लेंथ को हम कहते हैं, एक्चुअल लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स, एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय अ बॉडी व्हेन वी व्हेन ही गोज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, सो इट्स कॉल्ड डिस्टेंस. फॉर एग्जांपल हमारे पास ये दो पॉइंट्स हैं ए एंड बी, यहां से यहां जाने तक हमारे पास तीन चार पांच रास्ते होंगे. सो फॉर एग्जांपल एक रास्ता ये है, दूसरा ये है, तीसरा चौथा, इस तरह बहुत सारे रास्ते होंगे. तो इन रास्तों को हम क्या कहते हैं, जो एक्चुअल लेंथ है, एक्चुअल रास्ते, इसको हम एक्चुअल लेंथ है, इसको हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस. और जो शॉर्टेस्ट रास्ता होगा इसको हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट. सो ये एक्चुअल पाथ होगा और ये शॉर्टेस्ट होगा. तो डिस्टेंस की डिफिनीशन क्या बनती है, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस. सो डिस्टेंस हमारे पास क्या होगा, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस. इस तरह डिस्प्लेसमेंट की डिफिनीशन क्या होगी, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पाथ इज पॉइंट्स, शॉर्टेस्ट पाथ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. सो शॉर्टेस्ट पाथ को हम क्या कहते हैं, दो पॉइंट से इसके दरमियान जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, और जो एक्चुअल पाथ होगा इसको हम क्या कहेंगे, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ को हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे. डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट वी विल डिस्कस क्वांटिटीज. डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है. इसको डिफाइन करते हैं अभी, इस वेक्टर किस तरह है. फॉर एग्जांपल ये दो पॉइंट्स है ए एंड बी, हमें यहाँ से यहाँ तक जाना है, हमारे पास दो रास्ते हो सकते हैं, एक ये होगा, ये हमारे पास एक्चुअल पाथ है और ये शॉर्टेस्ट है. सो इसमें डायरेक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इस ये वेक्टर क्यों है, ये वेक्टर इसलिए है डिस्प्लेसमेंट क्योंकि एक्चुअल पाथ तो बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, तीन चार रास्ते हो सकते हैं किसी जगह जाने के लिए, लेकिन शॉर्टेस्ट पाथ में आपने आप अगर किसी को शॉर्टेस्ट पाथ बताएंगे, ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, तो आप अगर किसी को शॉर्टेस्ट रास्ता बताना चाहते हैं तो आप उसको कहेंगे कि ये रास्ता नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में है और इसकी लंबाई कितनी होगी, 12 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी. तो ये इसलिए वेक्टर है क्योंकि इसमें आप डायरेक्शन की ज़रूरत भी पड़ती है. सो दैट्स व्हाई डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी. एंड स्केलर में डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, डिस्टेंस में डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी. अच्छा इसके बाद आता है फॉर्मूला, फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस इज एस इज इक्वल टू वी टी. और यहां पे
डिस्प्लेसमेंट की फॉर्मूला एस इज इक्वल टू वी टी होगा, लेकिन यहाँ पे वी डिवाइड बाई टी, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला भी एस इज इक्वल टू वी टी होगा, लेकिन यहाँ पे हम इस पे बार लगाएंगे या एरो हेड लगाएंगे, क्योंकि ये हमारे पास वेक्टर्स क्वांटिटी है, और बार भी लगा सकते हैं और हम इसको बोल्ड फेस लेटर्स के साथ भी लिख सकते हैं। दो तरीके हैं, बार भी लगा सकते हैं, एरो हेड भी लगा सकते हैं, और बोल्ड फेस लेटर्स ये भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये वेक्टर हमने वेक्टर पिछली वीडियो में वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में हमने इनको इन चीज़ों को पढ़ा था। अच्छा, इसके बाद आता है यूनिट। डिस्टेंस का यूनिट भी मीटर है और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी मीटर है। मीटर दोनों का यूनिट हमारे पास मीटर है। दोनों का सिंबल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन भी सेम है, फॉर्मूला भी सेम है, यूनिट भी सेम है, बट डिफरेंस ये है कि एक एक्चुअल लेंथ होगा और दूसरा शॉर्टेस्ट पाथ होगा। शॉर्टेस्ट पाथ में क्योंकि चूंकि डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए ये वेक्टर होगा और ये स्केलर है। डिस्टेंस स्केलर है और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वेक्टर है।